जॉयन रीड द्वारा लिखित मेडगर एंड मायरली के ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है, जो मिसिसिपी में न्याय और समानता के लिए लड़ने वाले दो नागरिक अधिकार प्रतीकों की दिलचस्प जीवनी है। मेडगर और मायरली एवर्स ने नाप के लिए काम किया और जिम क्रो साउथ के क्रूर अलगाव और उत्पीड़न को चुनौती दी। उन्हें श्वेत वर्चस्ववादियों से लगातार धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा, जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे। 12 जून 1963 को मेडगर एवर्स की कु क्लक्स क्लान के एक सदस्य ने उनके घर के सामने हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु से राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया और नागरिक अधिकार आंदोलन को बल मिला। मायरली एवर्स ने अपनी विरासत को जारी रखा और अपने आप में एक प्रमुख कार्यकर्ता, लेखिका और नेता बन गई। उन्होंने अपने पति की हत्या के लिए न्याय की मांग करना कभी नहीं छोड़ा, जिसे अंततः 1994 में दोषी ठहराया गया। मेडगर एंड मायरली प्रेम, साहस और बलिदान की एक शक्तिशाली और प्रेरक कहानी है। यह अमेरिकी इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण का एक ज्वलंत चित्र भी है, जब काले अधिकारों के लिए संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। नवीनतम पुस्तक समीक्षाओं के लिए कृपया मेरी वेबसाइट पर जाएं। धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना।